गाइस वेलकम टू द वीडियो। सो गाइस जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था और आपको ही नहीं बल्कि केशव भाई को सबसे ज्यादा इंतजार था इस वीडियो का, तो उस वीडियो को लेकर आ गए हैं क्योंकि कुछ लोग समझ रहे हैं हम उनके नाम पर व्यूज खा रहे हैं। हाँ तो भाई हमारे केशव भाई ने रिप्लाई वीडियो बना दिया है और वो रिप्लाई वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि केशव भाई को अभी काउंटर का सही से मतलब ही नहीं पता, तभी तो ये 3 मिनट की बकचोदी करके डाल दिया। सो कोई नहीं भाई, उन्हें मतलब नहीं पता, आज मैं उन्हें काउंटर का मतलब बताता हूँ। और पहली बता रहा हूँ, गूगल और डिक्शनरी अपने पास रखियो क्योंकि वीडियो के अंदर कुछ इंग्लिश वर्ड भी आएंगे तो तुझे समझने में आसानी होगी। और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के आगे जाके भीख मत मांगियो कि उसकी वीडियो पे जाके गाली बक दो या उसके कमेंट सेक्शन में गाली बक दो, क्योंकि भीख मांगने की तो तुझे आदत है ही। और तीसरी बात, विक्टिम कार्ड मत खेलियो, रोना धोना नहीं चलेगा वीडियो के बाद। चलो तो भाई शुरू करते हैं भाई के कंटेंट को। भाई ये मकान किसका बन रहा? मकान छोड़ी इसकी मुंगे वो सेट। और मुझे बता भी कौन रहा है लड़कियों की इज्जत कैसे करनी है जो खुद लड़कियों की इज्जत नहीं करता। जैसी भी हूँ ओरिजिनल हूँ, किसी की कॉपी बनने का शौक भी नहीं। तू कॉपी नहीं, तू रजिस्टर है काला वाला जो 10 रुपए का मिलता था। ये क्या है, लड़कियों की इज्जत हो रही है? तो गाइज इस वीडियो में मैं डायरेक्ट इसे एड्रेस करूंगा, तो केशव भाई ध्यान से सुनियो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, लड़की। भाई तेरी और मेरी रील में फर्क है, मैंने जोक मारा है एक इंस्टाग्राम क्रिएटर के ऊपर जिसे कॉमेडी बोलते हैं, और तू अपने नेबर में किसी रहने वाली स्ट्रेंजर या नॉर्मल लड़की को समान बोल रहा है, यानी लड़कियों की ईव टीजिंग को प्रमोट कर रहा है। तो भाई ये समान क्या होता है, और तू इसके बाद इसे अपना कंटेंट बता रहा है? सो कॉमन सेंस का थोड़ा सा इस्तेमाल कर, पर मुझे नहीं लगता तेरे अंदर कॉमन सेंस होगा, वरना तू 50 रुपए और 5 रुपए वाले चिप्स थोड़ी खोलता फिरता। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आजकल हम लोगों ने ऐसे छोटे सैलून में तो जाना छोड़ ही दिया है। क्या कटिंग करवाई है तुमने? अरे कतई झाट लग रहा माँ का सब। कितनी बार बोलूं, उसको रियल लाइफ नहीं बोलते, उसको कंटेंट बोलते हैं। दोस्तों ये मेरे दोस्त का एक पेज है जिसमें हम थोड़ी एब्यूज टाइप की वीडियो पोस्ट करती है, तो इस बंदे ने वहाँ से जाके वीडियो उठाई और उसको रियल लाइफ बोल रहा है। अब आता है दूसरा पॉइंट, रियल लाइफ और कंटेंट लाइफ। पहली बात तो कंटेंट होता है ना कि कंटेंट। चुप हो जा सातवीं फेल। और भाई मैंने तुझे ये तो बोला नहीं कि तू गाली मत दे, गाली तो पूरी दुनिया देती है, जैसे तुझे कमेंट्स में पढ़ दिया। आशीष भुवन सब गाली दे के फेमस हुए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने तेरी हिपोक्रेसी दिखाई है, और मुझे पता है तुझे हिपोक्रेसी का मतलब तो समझ आया नहीं होगा, इसलिए पहले ही बोला था गूगल और डिक्शनरी अपने पास रखियो, पर तूने फिर भी नहीं रखी। चल कोई नहीं, मैं तुझे हिपोक्रेसी का मतलब बता देता हूँ। हिपोक्रेसी का मतलब है कि तू कितना बड़ा दोगला है, तू कितना बड़ा दोगलापन दिखाता है। एक तरफ तो तू बोलता है गरीब बेचारा, और दूसरी तरफ बोलता है देखी बहन क्या कटिंग करवाई है तुमने। अरे कतई झाट लग रहा माँ का सब। ऐसे तो टोनी स्टार्क अपनी वीडियो में आयरन मैन बनता है। अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ वो रियल लाइफ में भी आयरन मैन है। एक ही सेंटेंस में अपने आप को और RDJ को जोड़ रहा है, कहाँ कंपेयर कर रहा है अपने आप को RDJ से, टीम 07 के पास्ट मेंबर। मैं मेरा दिल और तुम हो यहाँ। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। तो गाइस अभी मैंने रिसेंट में पानीपुरी का स्टॉल लगाया था, तो ये बंदा वहाँ पर भी वीडियो बनाने आया था, लेकिन मैं वहाँ इसको बिल्कुल भी भाव नहीं दे पाया। तूने मुझे भाव नहीं दिया भाई, मैं उस दिन की बात बताता हूँ। उस दिन हनुमान जयंती थी और मैं अपनी वीडियो बना रहा था, इसने स्टॉल लगा रखा था रेलवे रोड के बाहर, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई बंदा अच्छा है, क्यों ना मिल लिया जाए इससे। वहां भी ये भाई मुझसे भाई भाई करके ही बात कर रहा था, पूरी वीडियो पड़ी है मेरे पास। और भाई इन्होंने ये भी लगा रखी है 3 दिन के लिए स्टॉल, बता सकते हो जो भी डोनेशन आएगा इसके, जो भी कमाएंगे हम इसको डोनेशन में डाल देंगे। डोनेशन हाँ, आज दूसरा दिन है हमारा और कल तीसरा दिन है, जो भी हम कमाएंगे उसको डोनेशन कर देंगे। भाई यहीं पे लगाओगे? हाँ यहीं लगाएंगे। आप कहाँ से आए हो? भाई मैं यहीं तिबड़ा दौड़ कर आता हूँ। लेकिन तब मैंने नोटिस किया मेरा भाई पारस वहाँ पे दोना लेके खड़ा था, लेकिन ये क्या कर रहा था, एक लड़की को खिला रहा था, पहले उसे खिला रहा था, फिर वो खा रही थी, फिर उसके एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। पानीपुरी का स्टॉल मैंने वीडियो में इसलिए इंक्लूड करा ताकि मैं पब्लिक को बता सकता कि वो कैसे पागल बना रहा है पब्लिक का, और उन पैसों का पता नहीं कहां मुद्दा बना दिया। कोलकाता में लड़की के साथ क्या हुआ उसके ऊपर इसने वीडियो नहीं बनाई, जहां वीडियो बनानी चाहिए वहां क्यों नहीं बनाते हो यार।
उनका क्या ला रहा है बीच में, लॉजिकल फैलेसी ला रहा है कि उस पे नहीं बनाई वीडियो, मेरे पे बनाई। अबे उस पे वीडियो बनाने के बाद तू थोड़ी सही हो जाएगा, तेरे एक्शन तो गलत ही है ना। कितनी सिंपैथी चाहिए भाई इसको अपने फॉल्ट छिपाने के लिए, एक इतनी सेंसिटिव न्यूज को ये बीच में ला रहा है, भाई शर्म आनी चाहिए तुझे। खैर तुझसे मैं एक्सपेक्ट भी क्या कर सकता हूँ कंटेंट बोलने वाले को। और इस भाई ने मेरे ऊपर पूरी 15 मिनट की वीडियो बनाई है, क्योंकि इसके खुद के नाम पे तो व्यूज नहीं आते, इसलिए केशव के नाम पे व्यूज ले लूं। भाई अगली बात करते हैं, मैंने भाई के नाम पे व्यूज खाए। भाई पहली बात तो ये जो तेरी रोस्ट वाली वीडियो है ना, इस पे 1000 व्यूज भी नहीं आए, मेरे खुद के ब्लॉग्स पे 15000 व्यूज है। ऐसी बहुत सारी वीडियो जिन पे बहुत सारे व्यूज है, भाई तुझे किस चीज का घमंड है? अगर तुझे अपने व्यूज का इतना ही घमंड है ना, तो YouTube पे चैनल बना और लॉन्ग वीडियोस डाल, लॉन्ग वीडियोस पे 10000 व्यूज लाकर देखा तब मालूम है तुझे। पता नहीं ये 13000 फॉलोअर्स लेके क्या मान रहा है अपने आप को। भाई तेरे इंस्टा की जो रील्स चलती है ना, वो इंस्टा एल्गोरिथम का नाम सुना है, उनकी वजह से चलती है। और कुछ लोग हैं जो खाली बैठे रहते हैं तो तेरी रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं। और भैया तू है क्या जो तेरे नाम पे मैं व्यूज खाऊंगा? तू बहुत बड़ा क्रिएटर है क्या? आई एम सॉरी बाबू। और रही बात गौशाला की, हाँ मैंने बोला कि 50000 का अमाउंट कलेक्ट करना है। आप लोग खुद सोचो, ये सब मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ जो रोड पे बेजुबान जानवर घूम रहे हैं। मैंने सोचा कि आप सबके सपोर्ट से उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी भाई ने मुझे गलत साबित कर दिया। वही बात होती है ना, कोई कुछ अच्छा काम करने जाए तो पीछे से उंगली करने वाले बहुत होते हैं। भाई अब आता है वीडियो का मेन पॉइंट, गौशाला, जिसके नाम पर ये बहुत सिंपैथी खा रहा है। तो मैं वो पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, मैंने गौशाला को गलत नहीं बोला, ना ही मैं गौशाला को गलत बोलूंगा, क्योंकि भाई गौशाला को अगर मेरे सामने भी कोई गलत बोलेगा तो मैं उसे गाली बकूंगा। मैंने तेरे इनिशिएटिव को गलत नहीं बोला, मैंने तेरे प्रोसेस को गलत बोला है कि कैसे तू पहले तो 10000 रुपए मांग रहा है, फिर तू 50000 रुपए मांग रहा है। नहीं, फंड्स तो तू बहुत जल्दी मांग लेता है, लेकिन तूने उन फंड्स का किया क्या? ये तो तू कहीं पे शो नहीं करता, बस वीडियो के लास्ट में बता देता है आज का खर्च 2500 रुपए, आज का खर्च 1500 रुपए। अबे भाई ये भी तो दिखा, तूने वे 2500 रुपए 1500 रुपए कहाँ पे खर्च किए? बहुत सारे एनजीओ हैं जो डोनेशन पे चलते हैं, लेकिन उनके पास एक प्रॉपर बैलेंस शीट होती है कि इतना खर्चा यहाँ पे हो रहा है, तू तो कहीं खर्चा दिखाया नहीं रहा। दूसरी, लैक ऑफ नॉलेज, मेरी वीडियो देखने के बाद तो तू गौशाला के रजिस्ट्रेशन के लिए म्युनिसिपैलिटी पहुंचा है। और भाइयों, ये पैसा भी पब्लिक का ले रहा है, फंड्स भी पब्लिक से ले रहा है, लेकिन पब्लिक इससे कमेंट्स में कुछ बोल दे तो ये इतनी अकड़ के बात करता है। भाई तेरे में इतनी अकड़ है किस चीज की? तू पैसे भी उन्हीं के खा रहा है और उन्हीं के फंड से तू सारा प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उन्हें इतनी अकड़ दिखा रहा है। और लास्ट पार्ट, ये अपनी रील्स और कमेंट्स में तो बोलता है कि आप मंदिरों में तो डोनेट कर देते हो। भाई तू मंदिरों को बीच में क्यों ला रहा है? अपना गौशाला का इनिशिएटिव अलग रखना, वो लोगों की श्रद्धा है कि वो कहाँ डोनेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। जिसने मुझे रोस्ट किया है उसकी आईडी पे जाकर दिखा दो उसकी औकात। और तू क्या बोल रहा है रील्स और स्टोरी में कि इसको उसकी औकात दिखा दो, उसको गाली बक दो? और भाई बदमाशी का मुझे पीटने के भी थ्रेट्स दिलवा रहा है। अच्छा बदमाशी चल रही है मित्र, असलाम भी रखते हैं पहलवान। और भाई मैंने भी वीडियो बनाई, मैंने अपनी पूरी वीडियो में फैक्ट्स पर बात किया, और तूने जो वीडियो बनाई उसमें एक भी फैक्चुअल रिप्लाई नहीं दिया। सुबह उठता है और बिना मुंह धोए कैमरा सामने चला देता है और पोक करने लगता है। भाई तू एक चीज डिसाइड कर ले, एक साइड तो तू मुझे पोक करवा रहा है, मेरी औकात दिखा रहा है, और दूसरी साइड तू सिंपैथी ले रहा है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि मैं ये सब आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, दूसरों के लिए भलाई कर रहा हूँ। इसलिए भाई दो नाव में पैर मत रख, नहीं तो बीच में से खत्म। तो गाइज ये तो मेरा काउंटर, बाकी आप खुद समझदार हो। मिलते हैं अगले एक नए रोस्ट में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।